ओ भाई निकल गया भाई साहब, जबरदस्त भाई। लोग वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना भाई। ट्रिक बताने वाला हूँ एकदम ओपी वाली भाई, कैसे निकला एकदम जबरदस्त फाड़ के यार, एकदम जहर वाला बंडल है यार। तो गाइस कैसे हो आप लोग? वो आप लोग बढ़िया हो। अपने फ्री फायर में आ चुका है नया इवेंट न्यू डायमंड रॉयल, जिसमें एकदम ओपी वाला बंडल मिल रहा है। तो भाई लोग अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हो ये ओपी वाला बंडल। ओके भाई लोग, तो जाने से पहले, स्टोर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। आप लोग ध्यान से देखते तो हो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो भाई लोग, और एक लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ओके भाई लोग, तो हम लोगों को अगर पहले तो डायमंड रॉयल में बंडल आया है, ठीक है, अगर मेल का बंडल है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मेल कैरेक्टर लेना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल वाला। ओके वालों, और एकदम नोब वाला बना देना है ताकि आसानी से निकल सके। ओके वालों, तो अब सीधा स्टोर पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं और निकालते हैं कि हो सकता है निकलता है कि नहीं। ओके, कितने डायमंड लग जाते हैं हम लोग के। ओके, तो हम लोग आ गए हैं लक रॉयल पे। भाई साहब एकदम ओपी वाला यार, एकदम यार क्या ही बोलूँ मैं, जबरदस्त यार। इसका तो एकदम स्किल लगा है, इसकी आर्म एकदम भारी वाला लग रहा है। ओके, तो मेरे पास तो वाउचर भी पड़े हैं, फ्री का भी है। ओके, और क्या क्या मिलेगा हम लोग चेक कर लेते हैं भाई लोग। ओ भाई ये ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है कुछ कुछ, और ये फीमेल वाला। ओके, तो हम लोग ट्राई करते हैं, मैन तो बंडल है। ओके भाई साहब एकदम चेहर वाला एकदम जबरदस्त। ओके भाई लोग, और इसकी हेयर स्टाइल तो देखो यार एकदम जबरदस्त यार, ओपी वाला। तो भाई लोग मैं तो कह रहा हूँ आपको निकालना ही चाहिए, वो आँखें भाई साहब आँखें रेड रेड हो रखी हैं एकदम ओपी वाला। ओ भाई सूझ जबरदस्त है। ओके भाई लोग, तो हम लोग ट्राई करते हैं, ऐसे ऐसे टैप टैप करने से निकल सकता है। वैसे तो मुझे यकीन नहीं है कि देंगे, फिर भी ट्राई करते हैं। ओके नहीं निकाला। ओके भाई लोग, तो भाई लोग अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये बंडल निकालना है तो जब ये ख़त्म होता है आपको लास्ट में स्पिन करना चाहिए, यानी कि 20 दिनों के बाद। अब आपको स्पिन करना चाहिए कि ये मेरे ख्याल से 20 नवंबर के आसपास ख़त्म होगा, तो आपको 20 को ही स्पिन करना चाहिए, ठीक है। तब इसमें एक तो ऑफ हो सकता है, और ऑफ नहीं होगा तो ये बहुत आसानी से आपको बंडल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे मस्ट ट्रिक यही होती है किसी भी गन स्किन यार या किसी भी बंडल को निकालने की, कि जब वो ख़त्म हो रहा हो उसको 2-3 दिन पहले, यानी आप 18 नवंबर के आसपास इसको निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकलेगी। और भाई लोग साथ ही साथ इंक्यूबेटर में 40% डिस्काउंट आया है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने एक समेट नहीं निकाली है, जो पंपकिन वाली ईविल पंपकिन वाली बहुत ओपी है भाई लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ध्यान से जब ये ख़त्म हो तभी आपको ट्राई करना चाहिए। ओके भाई लोग, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।